पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब ओरछा में दस्तक दे दी है। उमा भारती ने ओरछा पहुंचकर कहा कि रामलला की नगरी में शराब का क्या काम, सरकार लोगों को शराब की लत लगाकर रुपए कमाना चाहती है। इस बार सरकार ने राम के नाम को बदनाम किया है। मैंने इस सरकार के लिए वोट मांगे थे, मुझे फांसी पर लटका दो। उमा भारती लगातार शराब की नीतियों को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। फिलहाल शराब पर सियासत जारी है। उमा भारती अपनी शराब बंदी की मांग को लेकर अड़ी हुई है। पहले उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके शराब बंदी पर कानून बनाने को लेकर सुझाव दिए थे। सरकार ने उनके सुझाव को ताक पर रखते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में शराब से 14,000 करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा। मगर उमा भारती भी हार नहीं मान रही, वे अब ओरछा जा पहुंची है। ओरछा पहुंचकर उनका कहना है कि ये नगरी राजा राम की है और इस पवित्र नगरी में शराब बिकनी ही नहीं चाहिए। सरकार का यह धर्म नहीं होता कि वो लोगों को नशे की लत लगाकर मुनाफा कमाए। सरकार का धर्म होता है कि वह लोगों की बुरी आदतों को छुड़वाए। आगे उमा भारती ने कहा कि यह सरकारें राम के नाम पर आई हैं। उन्होंने राम के नाम से ही अपनी राजनीति शुरू की थी। अब यह रामलला के क्षेत्र में शराब बेचकर ही मुनाफा कमाना चाहती है। मैंने सरकार के लिए वोट मांगे थे, जिसके लिए मैं दोषी हूँ, मुझे फांसी पर लटकाओ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।